कवायद तेज हो गई, जहां प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि यूपी में भी एनआरसी लागू हो सकती है, वहीं अब एनआरसी का ड्राफ्ट जारी करने की डीजीपी मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है, जहां सभी जिलों के पुलिस कप्तानों, आईजी, डीआईजी रेंज और एडीजी जोन को पत्र भेजकर इस काम को शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक एनआरसी के लिए डीजीपी मुख्यालय ने जो मसौदा तैयार किया है, उसमें सभी जिलों के बाहरी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रोड के किनारे और उसके आसपास नई बस्तियों की पहचान की जाएगी, जहां बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिक अवैध रूप से शरण लेते हैं। आपको बता दें कि सतर्कता के साथ सत्यापन के इस कार्य की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। इसके साथ ही जांच में अगर संबंधित व्यक्ति अपना पता अन्य राज्यों या जिलों में बताता है तो समयबद्ध तरीके से उसका सत्यापन कराया जाएगा। तो साफ तौर पर जब एनआरसी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ था, क्योंकि आपको बखूबी पता है पर पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर ममता बनर्जी ने इस बात का विरोध करा कि एनआरसी लागू नहीं होगी। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में किया गया कि एनआरसी लागू नहीं होने दी जाएगी, उसका रोना भी उन्होंने रोया और साफ तौर पर कहा कि 11 लोगों के डर की वजह से मौत हो गई, एनआरसी वो नहीं चाहते हैं। जिसके बाद साफ तौर पर अगर बात करी जाए तो विजय वर्गीय जो भी वहां से नेता है, उन्होंने बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी के पास भारत की नागरिकता है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ कारण भी है तो ट्रिब्यूनल उसका फैसला करेगा कि क्या कारण है कि वो अपने देश नहीं जाना चाहता, कुछ परेशानियां होंगी तो उसके आधार पर उसे भारत में रहने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन अगर कोई अवैध तरीके से, मतलब देखिए दो तरीके का फर्क होते हैं, या तो कोई व्यक्ति घुसपैठ करता है या तो शरणार्थी होता है जब वो आपके देश में आता है। तो साफ तौर पर यह कहा गया कि जो शरणार्थी होगा, जो मदद के उद्देश्य से आया होगा कि भारत में उसे शरण लेनी है, उस व्यक्ति को एनआरसी के तहत भी रहने का अधिकार भारत में दिया जाएगा। लेकिन अवैध तरीके से अगर किसी ने घुसपैठ करी होगी तो वो वापस अपने देश भेजा जाएगा, उसे भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि एक साथ फैसला कर दिया गया कि ये लोग एनआरसी के लिस्ट में नहीं शामिल हो रहे, इन्हें नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपको बखूबी बताएं कि असम में 19 लाख लोगों का नाम एनआरसी की आखिरी लिस्ट में नहीं शामिल हुआ। उसके बाद भी ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक जांच चल रही है तब तक आप, चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि आप वोटिंग कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब फैसला आ जाएगा, आपके पास समय है, आप साबित करिए कि आपके पास यहाँ के नागरिकता के कुछ प्रश्न होंगे, कुछ तो चीज़ें होंगी जो आप दिखा सके कि क्या कारण थे, वरना आप कारण बताइए। इन चीजों को लेकर साफ तौर पर कहा गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर बात कही थी कि मुझे लगता है कि एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, रोजगार के नजर से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं, वो भी रोजगार के लिए। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।